करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर का, जहां गरियाबंद जिला पुलिस की E30 टीम को घने जंगलों में सर्चिंग अभियान में सफलता हासिल है। टीम उदंती सीता नदी बॉर्डर पर धमतरी पुलिस के साथ सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इस दौरान 30 से 35 नक्सलियों के छुपे होने की सूचना पर टीम ने इतवारी गांव के जंगलों में घेराबंदी की। नक्सलियों के फायरिंग के जवाबी कार्यवाही की गई। मुठभेड़ के दौरान नक्सली भाग निकले। वहीं जब नक्सलियों के कैंप की तलाशी ली गई तो एक नक्सली मृत मिला है, जिसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस को बड़ी मात्रा में नक्सली उपयोग के सामान, दस्तावेज, दवाइयाँ बरामद हुई हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगामी रणनीति बनाकर शहरी और ग्रामीण नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। हमें एक सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र बोराई अंतर्गत एक जंगल क्षेत्र में जो है नक्सलियों ने अपना कैंप लगाया हुआ है। तत्काल पुलिस हरकत में आई और गरियाबंद पुलिस और धमतरी पुलिस ने एक संयुक्त रूप से ऑपरेशन प्लान किया और हमने उस कैंप को नष्ट करने के लिए कार्रवाई किया। कैंप के पास जाके कैंप नक्सलियों को जब पता चला कि पुलिस पास में आई है, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग किया पुलिस के ऊपर में। जवाबी कार्रवाई में जो है एक नक्सली अज्ञात सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली का शव हमें बरामद किया करने में सफलता हासिल हुई और उसके पास में से एक थिमोथी वेपन और ग्रेनेड्स जो लॉन्च करते हैं उसका देसी कट्टा और बहुत सारे जिंदा ग्रेनेड्स हमको मिले हैं।